हेलो फ्रेंड्स, इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड ब्रिक वॉल की कंस्ट्रक्शन में दो बहुत ही कॉमन और सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाले ब्रिक मेजनरी पैटर्न हैं। इन्हें ब्रिक वॉल में इनकी लेंग और बॉन्डिंग स्टाइल के बेसिस पर क्लासिफाइड किया गया है। जब ब्रिक्स वॉल में लेयर में एक दूसरे के एडजेसेंट लेड की जाती है तो इन लेयर्स और ग्रूव्स के बीच में मोर्टार फिल करके ये बॉन्ड ब्रिक मेजनरी में डिवेलप किए जाते हैं। तो ब्रिक मेजनरी में ये बॉन्ड बनाने के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला और सबसे कॉमन मटेरियल सीमेंट मोर्टार है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में हम इसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, जस्ट फॉर योर गुड टू नो नॉलेज मैं आपको बता दूं, बेसिकली 7 तरह के बॉन्ड कॉमनली यूज किए जाते हैं ब्रिक मेजनरी में, जैसे इंग्लिश बॉन्ड, फ्लेमिश बॉन्ड, हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर बॉन्ड, जिगजैग बॉन्ड, इंग्लिश क्रॉस बॉन्ड और रेकिंग बॉन्ड एक्सेट्रा। तो चलिए अब जानते हैं कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड क्या होता है। तो अगर इंग्लिश बॉन्ड की बात करें तो इंग्लिश बॉन्ड एक ऐसा ब्रिक कंस्ट्रक्शन पैटर्न है अल्टरनेट कोर्सेज का, जिसमें हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट कोर्सेज में लेड किए जाते हैं। या सिंपली कहूं तो एक लाइन में सभी ब्रिक्स का हेडर शो होता है, उसके ऊपर की लाइन में स्ट्रेचर, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। और ये सेम पैटर्न प्रोसेस नीचे से ऊपर तक रिपीट होता रहता है। हाँ, एक बात इसमें ध्यान देने वाली यह है कि हेडर स्ट्रेचर कोर्स के बिल्कुल सेंटर में लेड किया जाता है और इस कंटिन्यूटी को ब्रेक करने के लिए क्वीन क्लोजर का यूज किया जाता है, या तो शुरुआत में या एंड ऑफ द वॉल में फर्स्ट हेडर के बाद। और क्वीन क्लोजर एक ब्रिक होती है जिसे लेंथ वाइज दो टुकड़ों में काटा जाता है, जो ब्रिक वॉल्स के कॉर्नर में यूज किया जाता है। एक इंग्लिश बॉन्ड को आप किसी भी साइज मीन्स किसी भी वॉल थिकनेस के लिए यूज कर सकते हैं। दूसरा, यह बॉन्ड बाकी सभी तरह के बॉन्ड से बहुत स्ट्रॉन्ग भी होता है। ओके फ्रेंड्स, दूसरी बात करें फ्लेमिश बॉन्ड की, तो फ्लेमिश बॉन्ड को डच बॉन्ड के नाम से भी जाना जाता है। यह एक ऐसा ब्रिक कंस्ट्रक्शन पैटर्न है जिसमें सिंगल कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर अल्टरनेट लेड किए जाते हैं। मीन्स एक ब्रिक हेडर शो करेगी और उसके बाद एक ब्रिक स्ट्रेचर, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, पर एक ही सिंगल कोर्स में। और फिर नेक्स्ट कोर्स में ब्रिक्स ऐसे रखी जाती हैं कि हेडर स्ट्रेचर के मिडल में होता है। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना कि हर अल्टरनेट कोर्स की स्टार्टिंग फ्लेमिश बॉन्ड में कॉर्नर में हेडर के साथ ही शुरू की जाती है, और इसमें वर्टिकल ज्वाइंट्स की ब्रेकिंग के लिए क्वीन क्लोजर के जस्ट आगे क्लोजर्स इंसर्ट किए जाते हैं हर सक्सेसिव कोर्स में। फ्लेमिश बॉन्ड भी दो तरह के होते हैं, सिंगल फ्लेमिश बॉन्ड और डबल फ्लेमिश बॉन्ड, ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। तो आइए अब इन दोनों के मेन डिफरेंसेस देखते हैं। नंबर वन, डिस्क्रिप्शन। इंग्लिश बॉन्ड में अल्टरनेटिव कोर्सेज में हेडर और स्ट्रेचर लेड किए जाते हैं, पर फ्लेमिश बॉन्ड में हर सिंगल कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर लेड किए जाते हैं। नंबर टू, वॉल्स। इंग्लिश बॉन्ड में थिकर वॉल्स के मिडल पोर्शन में हेडर होते हैं, और फ्लेमिश बॉन्ड में वॉल्स में मल्टीपल हाफ ब्रिक्स, हाफ बैट्स और थ्री क्वार्टर बैट्स यूज किए जाते हैं। नंबर थ्री, अटेंशन। इंग्लिश बॉन्ड के लिए स्ट्रिक्ट सुपरविजन और स्पेशल अटेंशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर फ्लेमिश बॉन्ड के लिए स्पेशल अटेंशन के साथ साथ अच्छी वर्केबिलिटी की भी रिक्वायरमेंट रहती है। नंबर फोर, अपीयरेंस। इंग्लिश बॉन्ड का अपीयरेंस एकदम रफ होता है, पर फ्लेमिश बॉन्ड हर थिकनेस की वॉल के लिए एक अच्छा अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। नंबर फाइव, ज्वाइंट्स। इंग्लिश बॉन्ड के स्ट्रक्चर में वर्टिकल ज्वाइंट्स नहीं होते, पर फ्लेमिश बॉन्ड कंटिन्यूस पार्सली वर्टिकल ज्वाइंट्स से कंसिस्ट होता है। नंबर सिक्स, स्ट्रेंथ। इंग्लिश बॉन्ड सभी बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है, पर फ्लेमिश बॉन्ड 30 सेंटीमीटर थिक वॉल के लिए थोड़ा कम स्ट्रॉन्ग रहता है। नंबर सेवन, मोर्टार। इंग्लिश बॉन्ड में मोर्टार कम यूज होती है, पर बैट्स के यूजेस के कारण फ्लेमिश बॉन्ड में ज्यादा मोर्टार की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर एट, प्रोग्रेस। इंग्लिश बॉन्ड की वर्क प्रोग्रेस अच्छी है, पर फ्लेमिश बॉन्ड की वर्क प्रोग्रेस कम है इंग्लिश बॉन्ड के मुकाबले। नंबर नाइन, वर्टिकल ज्वाइंट्स। इंग्लिश बॉन्ड में वर्टिकल ज्वाइंट्स को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट हेडर के बाद क्वीन क्लोजर प्लेस किया जाता है, पर फ्लेमिश बॉन्ड में वर्टिकल ज्वाइंट्स की ब्रेकिंग के लिए हर अल्टरनेट कोर्सेज में क्वीन क्लोजर के आगे क्लोजर्स इंसर्ट किए जाते हैं। नंबर टेन, लेबर्स। फ्लेमिश बॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड लेबर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर फ्लेमिश बॉन्ड की कंस्ट्रक्शन के लिए स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 11, कॉस्ट। इंग्लिश बॉन्ड कॉस्टली है क्योंकि इस बॉन्ड में ब्रिक्स बैट्स यूज करना अलाउड नहीं है, पर फ्लेमिश बॉन्ड इकोनॉमिकल है इस बॉन्ड में ब्रिक बैट्स अलाउ होने के कारण। ओके फ्रेंड्स, इन दोनों बॉन्ड्स का हमने डिटेल कंपैरिजन देखा। अब कंक्लूजन ये है कि हालांकि फ्लेमिश बॉन्ड की अपीयरेंस अच्छी होती है, पर यह बॉन्ड वीक होता है इंग्लिश बॉन्ड के मुकाबले लोड बियरिंग वॉल कंस्ट्रक्शन के लिए। इसीलिए अगर ब्रिक मेजनरी वॉल पर पॉइंटिंग की जानी है तो फ्लेमिश बॉन्ड यूज किया जा सकता है एस्थेटिक व्यू के लिए, पर अगर दीवारों पर प्लास्टर होना है तो इंग्लिश बॉन्ड ही यूज करना बेटर है। ओके फ्रेंड्स, तो आई होप अब आप इन दोनों का डिफरेंस अच्छे से समझ गए होंगे।
So if you learn something, please like the video and share it with someone who might benefit from it. Subscribe to my engineering support channel and push the notification bell so that you won't miss the new videos. See you in the next video. Thanks for watching.